पर बाबा ने गुरुदेव के चरणों में कुछ दिन रहकर सेवा करके बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की कि गुरुदेव हमारा मन लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं रमता है, हम तो एकांत में रमण करने वाले हैं, आपकी आज्ञा हो तो हम हिमालय में जाकर भजन करना चाहते हैं। जो सच्चे संत सद्गुरु होते हैं वे भजन के लिए कभी किसी शिष्य को रोकते नहीं हैं, भजन तो करना ही चाहिए, जीवन ही भजन के लिए है। हमारा व्यवहारिक कोई काम बिगड़ता हो तो खूब बिगड़े बिगड़ जाए, पर ईमानदारी से कोई कहे कि हम एकदम निष्प्रभ होकर भजन में लगना चाहते हैं तो इस बात को सुनकर जितनी प्रसन्नता हमारे हृदय में होती है उतनी वैसी प्रसन्नता दूसरे किसी काम से नहीं होती है। सबसे अधिक प्रसन्नता इस काम से होती है कि ईमानदारी से जिसलिए भगवान ने मानव शरीर दिया है उस काम में लग जाए, भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाए। इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति करनी है, इस दृढ़ निश्चय के साथ भजन में लग जाए। गुरुदेव ने बहुत प्रसन्नता, बिल्कुल ठीक है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।